बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका मेज़बान शाहद भट्ट। आज हम भोपाल आले में हैं, यहाँ पे हम अदनान भट्ट साहब के डेरे पे हैं, जो अलमरूफ दानी भट्ट के नाम से जाने जाते हैं। हम उनसे आज उनकी सियासी ज़िंदगी के बारे में पूछेंगे और उनके गांव के जो मसाइल हैं, जो उन्होंने हल किए हैं, जो बाकी रहते हैं, जो आगे वो काम करना चाह रहे हैं, जो लोगों की वो खिदमत की है, जो उनका ये शौक है, इसके बारे में सब जानेंगे। तो अब हमारे मेरे साथ आपको नज़र आ रहे हैं इदनान भट्ट साहब, उनके दोस्त उनके साथी भी हमारे साथ आपको नज़र आ रहे हैं। तो लिहाजा हम शुरू करते हैं इदनान भट्ट साहब से। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। भट्ट साहब, एक चीज़ में तो दसो कि तेरे वाले साहब या इरशाद भट्ट साहब जड़े सन, वो तो खिदमे खलक करन च बड़े पेश पेश रहिंदे हन, लोगों के कम मुश्किल परेशानी दूर करन च पेश पेश रहिंदे हन, लेकिन वो सियासत बड़े कम सन, तो तुम सियासत च किवें आए हो? यह वाला साहब जरा ना करना, इरशाद भट्ट साहब का ना करना, वो जिद है कोई कि तुहानू समझते हो कोई कमी सी, वो इस चीज़ ने तुम बेहतर कर सकते हो, तुम आए हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तो पहला मैं थोड़ा शुक्रिया अदा करना, भट्ट ब्लॉग चैनल थोड़ा बड़ा बेहतरीन चैनल है, तो तुम मतलब पिंडा थावान जाके छोटे लैवल जाके लोगों का इंटरव्यू करते हो, ये बड़ी अच्छी इकदम है थोड़ा। तो अजकल सोशल मीडिया का दौर है, ये वास्ते जरूरत है अजक लोगों की, तो तुम उन्होंने नाल चलते पे उन्होंने जरूरत पेशे नज़र जो भी थोड़े मतलब करते हो पे, बड़ा अच्छा कदम है। तो दूसरे नंबर पर सियासत ना जरा तलक है, अलहमदुल्ला साढ़े शुरू तो ही मतलब बजुर्ग भी व्डे भी सारे मुस्लिम लीग नून के नाल सन, तो लेकिन उदू कुछ लाते फुजे हैं कि मतलब कम सन का है जरूर सन, लेकिन थोड़े इन नया अपनी जरूरत के मुताबिक रेंगे। लेकिन जो अगू असी छोटे स अगू असी जवान होए मेहनत की, बड़िया भी मेहनत की, अगू चलो असी भी थोड़ा जवान होए, तो साढ़ा मेरा शौक से बचपन तो ही कि मेरा डेरा होए, असी माड़े तो गरीब लोगों की मदद करिए, किसी हवाले के नाल भी उन्हां दियां जिहड़े परेशानियां ने उन्हां नूं हल करन दी कोशिश करिए, मेरा बचपन स्कूल लैवल तो जो मैं शौक से। तो अलहमदुल्ला अल्लाह ताला ने यह मेरा शौक पूरा किया, तो मैं तकरीबन 17-18 साल जो मैं इस छोटे छोटे काम करने शुरू कर दिए, किसी गरीब ने आना, माड़े बंदे आना, मैं उन्होंने हेल्प करनी, उन्होंने नाल टुरना, काम करने छोटे मोटे। तो वो फिर आस्ता 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 मैं तकरीबन 2005-06 दे विच बकायदा मैं अपनी सियासत का आगाज़ किया। मैं उदू साडी तहसील समड़े डस्का सी, उहदा मैं नैब सदर बनया यूथ विंग का, तो मैं काम करन लग पे आस्ता आस्ता, चलो लोगों नूं मिलदे गए तो अपना वर्क किया। फिर मेरे साढ़े इतने मोहतरम ने हाजी गुलाम मुस्तफा भट्ट साहब ने साढ़े सदर ने मुस्लिम लीग नून दे हुण, तो मैनू उन्होंने नाल दस्ते शफकत उन्हें मेरे रखिया, मेरे नाल बड़ा तावन किया, मैनू नाल लैके चले। फिर उन्हें मैनू कहा कि यार तू जिहड़ा ना अपने पिंड ते अपने यूनियन कौंसल दे अपने वो जिहड़ा ना काम करो यूनियन कौंसल दे विच। असी फिर आस्ता आस्ता यूनियन कौंसल दे विच वर्क किया, अपनी टीम बनाई, अलहमदुल्ला टीम बड़ी बड़ी अच्छी है, मेरे दोस्त ने साडा मतलब एक टीम वर्क बड़ा अच्छा है, हर एक दुख सुख के साथी हाँ, गमी खुशी के सारे इकट्ठे होंगे हाँ, तो जोड़ा भी कोई मसाइल साढ़े को लैके आता या कोई काम लैके आता, असी अपनी जेब चू अपने दोस्त सारे मिल के तावन करने तो ये काम करने। भट्ट साहब, एक चीज़ दसो कि जो तुम मुस्लिम लीग नून नू ज्वाइन किया या इस प्लेटफॉर्म पसंद किया, तो ये बारे दसो कि यह तेन क्यों एक कशिश नज़र आई, तो दूसरिया चीज़ा भी है सर, दूसरिया पार्टियां भी है सर, तुह बजाय मुंतब किया, तो दूसरा दसो कि तुह इस तू हूँ तक अपने इलाके की गाँव की जी मेन जी अचीवमेंट है जी, तुम समझते हो कि काबिले फखर काम है, वह भी सू दसो जरा कि किया जे जी। मुस्लिम लीग नून ना तले गए कि सू जो शहबाज शरीफ है वो काम बड़े अच्छे ने, साढ़े इतने इलाके बदमाशी बड़ी अरूजती सी, इतने बदमाश होए ने बड़े बड़े व्डे नामी ग्रामी बदमाश होए ने, इतने एक मतलब भत्ता मंगते सन, जगह मंगते सन, तो चोरियां डकैतियां आम सन, तो जदों शहबाज शरीफ की हुकूमत आई है अलहमदुल्ला उन्हें बदमाशी खत्म की है, इतों बदमाश सारे मका दिते ने उन्हें जनाब जी, यदि वजह तो सानू ये बड़ा प्यार से कि यार ये माड़े बंदे की इज्जत महफूज है, काम सारी दुनिया के नहीं भी होंगे, सारिया पार्टियां नहीं भी होंगे, लेकिन असं आने कि ये गरीब भी खुशहाल सी, वो इनू बदमाशी भी खत्म हो गई, अपना कारोबार करद इतने जोड़ा कोई कारोबार करता चार पैसे कमा लगता, उन्होंने शाम को फोन आ जाता कि लियाओ जी मेरा हिस्सा इन्ने पैसे दो,
उहदे नाल साडे इत्थे दो दोस्त उहनां दा मर्डर भी होया। हाजी असलम मुगल साहब सन साडे साबका सदर सन मुस्लिम लीग नून दे, उदों नीव जठोल साहब सन उहनां दे साथी सन, पीपल पार्टी दे सन। तो ये बड़े मतलब गरीबों के काम करने वाले सन, गरीबां दोस्तां दे गरीबां लोगों के दस्ते शफकत रखते हैं। तो इन्हां दोवां नूं उहनां मर्डर कर दिता। तो यह सानू जनाब जी ये भी बाद चू शहबाज शरीफ ने उन्होंने भी जिन्हें मर्डर किया उन्होंने इनू मरवा दिता। यह काम बड़ा वधिया उदों दा साडा इलाका बड़ा पुरसकून है। अज तक इतने कोई बदमाश नहीं, कोई गल नहीं, बात नहीं, अपना काम करते हैं, अपने कारोबार करते हैं। इस हवाले के नाल मैं बड़ा मुतासर था कि यार शहबाज शरीफ जिहड़ा ना ये वर्क काम कर सकता है, इन्हें काम करके बहाया। जिथे किसी ना ज्यादती होंगी शहबाज शरीफ खुद उत्थे पहुँच जाता है। तो यह बड़ा एक एडा वड्डा लीडर हो के मैनू बड़ा पसंद आया। नवाज शरीफ भी बड़ा अच्छा लीडर है, वो बड़ा मतलब पाकिस्तानी कौमी लैवल के उत्ते जनाब जी वो हर एक नाल मिल के काम करता है, उन्हें बड़ा अच्छा काम किया। इस बारे ना मेरा दिल से कि मैं मुस्लिम लीग नून ही ज्वाइन करा, इस वास्ते ही मुस्लिम लीग नून के आया। हुण तुसीं दसो कि जिहड़ा तुसीं अपने कौम के जिहड़े मसाइल तुसीं समझदे हो, जिन्हां तुसीं हल करना चाहते हो, जिन्हां वास्ते तुसीं फर्क करदे हो, वह किहड़े जे? साडी पिंड दे मसाइल जिहड़े ने, एक तो साफ पानी है। साफ पानी इत्थे साडा ना नहीं, क्यों ऐक नाला ऐक कोल दी गुजरदा, उहदी वजह नाल साडा जमीनी जिहड़ा पानी है ना वह गंदा हो चुकिया। इत्थे वाटर फिल्टर प्लांट काफ़ी सारे लगे ने, वो साडे मतलब इत्थे गाँव दे लोकां ने अपनी मदद आप दे तहत लगे ने। दूसरे नंबर ते साडे पिंड दा इक मसला बड़ा वड्डा मसला जिहड़ा ग्राउंड है। इत्थे ना ग्राउंड साडी छोटी है, ऐसे ही हाई स्कूल दी ग्राउंड है, वो छोटी है। असी कोशिश पे कर रहे हैं कि सानू एक ना ग्राउंड इत्थे वड्डी मिली जाए जिते सारे लोग खेडन, ते बीमारियां तो जिहड़े ना वो बचन, नशे तो बचन। तो गेम एक अच्छे मैं आप ही गेम अं करते रहे हैं, क्रिकेट खेडते रहे हैं। साढ़े दोस्त टीम मेरे बचपन तो चलती आ रही है, अज भी वो सारे इकट्ठे अलहमदुलिल्ला। तो मैनू आप ही खेडा का बड़ा शौक है। तो असी इस हवाले करने पे कोशिश, एम पी एम एन ने भी किया और दोस्तों ने भी किया कि यार सानू कोई ग्राउंड ऐसी लभ जाए जिससे सारे लोग खेडन। साडा मेजर मसला जिहड़ा इस टाइम ग्राउंड है कि ग्राउंड जिहड़ा सानू कोई मिल जाए। जिहड़े तुहाडे इलाके दे एम पी एम एन ने तुहाडी उहनां नाल मुलाकात होई, इस बारे कोई गुफ्तगू होई, तो उहनां दा की रिस्पोंस है? वह साडे ना अपने हल्के दे जिहड़े पी पी 43 दे एम पी ए ने चौधरी नवीद अशरफ साहब, बड़े शरीफ आदमी ने। वो मीटिंग हुई है लेकिन इस टाइम हुकूमत नहीं, साडी हुकूमत है पी टी आई दी, तो वो इस वजह तो कम डिले अला करे। नैक्सट टाइम हुकूमत नवाज शरीफ जी आए, शहबाज शरीफ जी आए, तो फिर इंशाल्लाह ताला कोई हल करांगे। ग्राउंड भी इंशाल्लाह ताला मिलेगी, लैके देंगे। तो इस हवाले नाल उन्हां दी होई है गलबात, लेकिन हुकूमत की वजह तो साडा कम डिले हो इस टाइम। जिहड़ी चीज़ां दूसरियां ने साडे तेड़े जिहड़ा अपनी तुसीं देखदे हो, तलीम का मामला है जां हैल्थ का मामला है, इहदे तुसीं मुतमिन हो इह कम मुनासिब तरीके नाल हो रहे हैं? मैं रस्ते जा रहा देख रहा हाँ मैं कि जिहड़ा कोई गारबेज कचरा वगैरह पिया जिहड़ा सड़कां ते, इहदे चुक्कण दा निज़ाम दे बारे च जां कोई यूनियन कौंसल लैवल ते कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं हो रही तुहाडी, यूनियन कौंसल जां चोण कमेटी जिहड़ी है इहदे च वर्क नहीं हो सकदा इस किस्म दे कोई? देखो जी, वो यूनियन कौंसल दे हवाले नाल कचरे दे हवाले नाल साडे ना इत्थे तकरीबन 26 बंदे ने जिहड़े खाक रोब ने अमला सफाई वाला 26 बंदे हैं। जदों साडे नवाज शरीफ की हुकूमत से उदू 26 बंदे ना, उन्होंने तनखावां भी मिलदियां हुण। पोजिशन है मैं कि साडी यूनियन कौंसल दे तकरीबन 3 पिंड ने, एक नस्तनाबाद, एक खीना चक, एक भोपाल वाला। इन्हां तिना पिंडां विच इस टाइम साढ़े 3 साई जिहड़े काम करदे ने पे, कचरा साफ करदे ने पे। 26 बंदिआं नूं उन्हां फारग कर दिता, ना उन्हां कोल यूनियन कौंसल च पैसे दिते जांदे ने पे, ते ना ही उन्हां बंदे रहे, उन्हां सारे फारग। सिर्फ इस टाइम 3 बंदे काम करदे ने पे। साडे पिंड दे तकरीबन रजिस्टर वोट जिहड़े ने 12 तों 13 हज़ार वोट है साडे पिंड दा रजिस्टर। तो हिसाब लाओ तुसीं कि उत्थे 3 बंदे इन्हां नूं कंज वर्क करन, कंज सफाई करन, उहदी वजह नाल सफाई दा जिहड़ा इंतजाम है बड़ा नाकस होया, बड़ा खराब होया, कोई काम नहीं। इत्थे उहनां नूं जा के आखीए भाई सफाई करो, उहनां दे भाई 3 बंदे हां असीं, अहीं कित्थे कित्थे सफाई करिए। तो गल भी सही है यार, एडा वड्डा पिंड, इत्थे बंदे ज़्यादा होने चाहिए ने, तो काम ज़्यादा अच्छा है। नून लीग के दौर से कम है सी सफाई, तुहाडे मतलब उठन तो पहला लोग सफाई करते होंगे, हूँ बंदे को नहीं उन्होंने अवेलेबल, बंदे ही को नहीं है उन्होंने। ये कोई हल तुम समझते हो कि हल किया जा सकता है इस इस कंपेन अगे जी ती बंदे घट ने यूनियन कौंसल या टाउन कमेटी के किस तरह बंदे वधाए जाए, कि आख्या जाए उन्होंने? तुम सा प्लेटफॉर्म हाजिर है, उन्होंने पैगाम देना चाहो तो दे सकते हो। देखो जी, वो तो वक्त के जेडे जेडे ने जिन्हों की हुकूमत है, पी टी आई की हुकूमत है, वो कोशिश कर आखन भाई साढ़े पिंड के बंदे ज़्यादा करो तो हो जाएंगे, लेकिन वो करते नहीं, उन्होंने इस पास ध्यान ही नहीं है। तो मतलब यह वजह कि वो संसेर हो के काम नहीं करते इस बारे के वजह कि साढ़े पिंड का जोड़ा निज़ाम बेहतर होइए, सही बधा दिते जान, काम होया, वो इस पास नहीं, उन्होंने ध्यान ही कोई नहीं है।
होर तुम की चाहते हो जी यी नज़र तैन आन डे मसला जरा काबिल लोगों तवजो दिलाना चाहते हो इस वाल तवजो आए लोगों की साडा तो यह वे कि साढ़े पिंड च इस टाइम नशा आम विकता पाया दूजा बंदा नशा करता पाया पाउडर वेचते पे कोई पुछण गिछण वाला नहीं है ना कोई पुलिस है ना गल ना बात तो यरे आम विकता पाया अही ध्यान ये वास्ते होना चाहिए पुलिस को इतने यूसी स्क्वाड भी है लेकिन वो भी इस पास को नहीं वो अपना डेरिया तो बैठे होंगे जाके लोगों के वो ध्यान कर खत्म किया जाए नशे को नशा वेचण वाले जोड़े ने उन्हों फड़िया जाए ये काम खत्म किया जाए नशा जोड़ा वो जिंदगी बर्बाद कर छिड़ता घर के घर तबाह हो जाते हैं इस हवाले न दूजे नंबर तो होर तकरीबन काम साढ़े पिंड सारे हुए ने गलिया भी बनिया ने रोड भी है ने तो गैस भी चलती पी है लेकिन गैस का इतने इस टाइम प्रैशर कोई नहीं है तो भी बड़ा साढ़ा मेजर मसला हो इस टाइम कि गैस का प्रैशर को नहीं ना सुबह ना शाम ना दोपहर किसी टाइम भी गैस को नहीं आ रही है बड़ी परेशानी बनी है साढ़े पिंड की अच्छा लो दोस्तों तुम देखिए साडा दानी भट्ट होर साड़ी गुफ्तगू उन्होंने मसाइल दसे ने साढ़े दोस्त होर भी बैठे ने अभी उन्होंने भी गुफ्तगू करने उन्होंने पूछने उन्होंने की व्यू इस बारे भाई साहब सलाम अलैकुम वालेकुम सलाम की नाम है भाई साहब तुहाडा मेरा जी नुमान खालिद ਨਮਨ ਖਾਲਸਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਆ ਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਲਾਹੌਰ ਜੌਬ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਪਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਐਜ਼ ਇੱਕ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਐਜ਼ ਆ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸਲੇ ਕੁਛ ਜੈਸੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਬਾਈ ਨਾਨ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੁਛ ਮਸਲੇ ਜਿਉਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਲਾਹੌਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਸਾਡਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਰੋਡਸ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਆ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਕ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਕਸਬਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹਦੇ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬਿਲਕੁਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਰੋਡ ਸਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖਸਤਾ ਹਾਲ 'ਚ ਨੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਲੋਈ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਗੰਦਗੀ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਦੀਆਂ ਇਹਦੀ ਤਰਫ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਹਿਊਮਨ ਬੇਸਿਕ ਰਾਈਟਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਸਿਹਤ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਰਾਈਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਕਸਬਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਹਿਜਰਤ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਐਸੇ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਕਿ ਵਾਕਈ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਗਾਓ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਰਵੇਸ਼ ਆਦਮੀ ਹਾਫਤ ਸਾਬਰ ਸਾਹਿਬ ਸਨ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਇਹਦਾ ਤੋਂ ਮਸਲਾ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਥੋਂ ਇੰਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅੱਛਾ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਤਾਂ ਆਫਕੋਰਸ ਇੱਕ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਤੋਰੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਕਸ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਲੇਕਿਨ ਐਜ਼ ਆ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਾਡਾ ਵੀ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨੋਹੋ ਕਰਾਈਏ ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਵੇਖੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਾ ਇਸ ਤਰਫ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਸਲ 'ਚ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਐਸੇ ਮਸਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਐਸੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜਿਵੇਂ ਬਾਈ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਗੈਸ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀਆਂ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਫਿਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੀ ਤਰਫ ਹੀ ਧਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲੈਟਸ ਹੁਣ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ ਪਿਛਲੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ 5 ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਆ ਰੋਡ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਸੰਭਰਿਆਲ ਟੂ ਦਸਕੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦ ਹੈ ਐਡਾ ਲੰਬਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਇਹਨੂੰ ਲੰਬਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਛ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਸਲੇ ਮੁਸਲੇ ਵੀ ਹਨ ਖੈਰ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਹਾਈਏ ਵੀ ਰੋਡ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹਕੂਮਤ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਕ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਹਕੂਮਤ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਮੁਲਕ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਆਵਾਮ ਦਾ ਕੰਮ ਆਵਾਮ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਅਪਰੂਵਡ ਹੋਈ ਉਹਦਾ ਬਜਟ ਅਪਰੂਵ ਹੋਇਆ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਰੋਡ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ 5 ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੁਨ ਗੱਲ ਸਭ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਫਟਲ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਰੋਡ 'ਤੇ ਟਫਟਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਡਈ ਹੈ ਬੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਬਟ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜਦੋਂ ਹਕੂਮਤ ਸੀ ਨਾ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੀ ਵਜ਼ੀਰ ਵਾਲਾ ਸ਼ਿਵਾਜਦੀਪ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇਹ ਟਫਟਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੇ ਰੋਡ ਦੀ ਇੱਥੋਂ ਵਪਾਰ ਵਾਲਿਓਂ ਲੱਗ ਕੇ ਅਤੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਹੈ ਸਾਡਾ ਅੱਗੇ ਮਤਲਬ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਤੱਕ
टैपटेल मंजूर हो गई, सीवरेज सिस्टम नाल नाला मंजूर हो गया, तो वह अगू क्योंकि हुकूमत चेंज हो गई वो वजह तो मनसूबा ही उन्हें स्टाप कर दिता है। ये पास ध्यान ही नहीं देंगे पे, हालांकि मंजूर होया या पिंड का काम है, मुश्तरका काम है, ये कि नून लीग का काम है, सारे पिंड का ये फायदा है, ये होना चाहिए। तो असी तो वक्त के हुक्मरानों भी आने कि यार इस पास ध्यान दो कि मंजूर होए इनू तुम अपना पाया तकमील तक पहुँचाओ, ये सारे का फायदा, किसी मुस्लिम लीग नून का फायदा नहीं, सारिया जमातों का फायदा है, सारे मुश्तरका पिंड का फायदा है। देखो जी असी तो जिन्ना चर सियासत की है, मतलब जो साड़ी हुकूमत रही है सियासत करने, साड़ी सियासत यह जी है कि असी अपनी पार्टी के हद तक नहीं, साढ़े वाल अं अपने पिंड से रख रख के कहने साडा पिंड साडा भोपाल वाला गाँव है, असी उन्हों मद्देनज़र रख के काम करने। ये नहीं कभी सिर जेन च लिया कि यार नून लीग का या ए पी टी आई का काम होना है, ए पी टी आई का ए पीपल पार्टी का यदा काम नहीं करना, नहीं असी तो अपना जेन ये रखा कि सारे मुश्तरका काम ने, पी टी आई नून लीग जमात बाद चू पहला साडा पिंड, असी अपने पिंड काम करने चाहिए। एक दानी भट्ट साहब दसो यार, डेरा माशा तुम बनाया है इतने अखराजा तुम करते हो, बंदे मेहमान दोस्त आते हैं, फिर अखराजा जोड़े ने डेरे को बाद रखे तुम माशाला, इतने ये किस तरह सारा मेनटेन करते हो, लोग इतने आ कि जाहिर खुश होंगे ने, बह गपशप करते हैं, चाय वगैरह पीते हैं, पानी पीते हैं, यह सारा सिलसिला तुम किस तरह पूरा कर लेंगे, हुकूमत भी तुम नहीं है भी अपोजिशन के हो, तो जो हुकूमत जो है समझ लगी तो भी कोई बंद कोई समझे कोई बंद कोई कोई चक्कर चला लेंगे, तो किस तरह चीज़ मैनेज कर लेंगे, किस तरह पूरा करते हो ना? साडा ऐसा कोई तल्लक नहीं, अभी जो हुकूमत भी हाँ उदू भी अल्लाह की मेहरबान नाल कोई ये नहीं कह सकता कि दानी भट्ट ने इदनान भट्ट ने साडा एक रुपया भी खाधा। असी तो यो जी सियासत करने कि अपनी जेब चू पैसे लाने किसी माड़े वास्ते अपनी जेब चू, एक ऐसा मेरा टीम वर्क है भट्ट साहब कि मैं जोड़ा कोई काम सूँ हों ना, अं सारे दोस्त मिल के जिन्हें जिन्हें भी पैसे आते हैं ही अपने हिस्से ना करके कट्ठे तो वह काम करीदा, ये नहीं कि मतलब मेरा मेरी जिम्मेदारी है मैं ही काम करना। मेरे मेरे तुम दस पी तीह मुंडे ने मेरे ग्रुप के मेरी टीम के, असी तकरीबन सारे मिल के कट्ठे करके पैसे तो वह किसी का काम करीदा। रही गल डेरे की, डेरे की मेरे भाई ने वे जी हफ़ज़ नामुल्ला साहब वो सर्जिकल फैक्ट्री चलाते ने ते बुरहान मैडिकल इंस्ट्रूमेंट तो, मेरा उन्हें मेरे तो बड़ा तावन करते हैं मेरे नाल जनाब, वो ना मैं शौक से मेरा शौक पूरा करते हैं पे तो वो ही सारा खर्चा करते हैं, अल्लाह उन्होंने जिंदगी दे तंदुरुस्ती दे, तो उन्होंने मतलब बदौलत अल्लाह पाक जिहड़ा मेरा निजाम पर चलांदा मैनू जिहड़े मेरे डेरे के खर्चे ने सारे वो पूरे करते हैं जी। माशाला जी एक चीज़ मुझे याद आई, मैं लोगों दोस्तों ने मिले हाँ अपने दादा जान ते जो माशाला एक बड़ी खिदमत खलक करते होंगे हैं, तो वो बारे कोई वाक्य याद जे को उन्होंने कोई सुनया जो बंद को जो लोगों के जोड़ वगैरह दुरुस्त कर देते हैं खराब हो टुटे भजे दुरुस्त कर देते हैं, तो माशाला उन्होंने बड़े बंद बड़ा जिक्र किया, मैं चाहना कि तुम भी कुछ दसो वाक्य बंद किसी कुछ सुनाया हो जी। वो मैं मेरी हो जे मैं वेखे ना दादा बू अपने तो वह बड़े शरीफुल नफ्स इंसान सन, वो कम शम जोड़ा कोई आंदा ही हड्डी टुटी पैर टुटा तो वो जनाब जी हड्डी चाढ़ देते होंगे हैं करते भी हैं, हूँ भी लोग सू गलत सुनाते हैं अज भी कि तुहाडे दादा जी होंगे हैं उन्हों को जाना करना हड्डी चढ़ानी बाजू की या पाऊँ की, तो उन्होंने पूछना कि पैसे किन्ने पैसे, उन्होंने यही सवाल जवाब हों कि यार मैं पैसे को नहीं दा, तुसी अपनी तफीक के मुताबक जाके मस्जिद च तेल पा दौ, तो वो उन्हें फीस बिलला काम किया जी, अल्लाह उन्होंने जन्नत कर दे उन्होंने आखिर दिन मंजिलों दान करे, उन्हें फ्री काम किया खिदमत की है लोगों की, तो कोई पैसा नहीं अज तक भी लिया, मतलब अभी भी हूँ तक साड़ी मेरी तकरीबन 37-38 साल उम्र हो गई है, असी नहीं किसी को सुनिया कि उन्हें मतलब पैसे ले ने, उन्हें फीस बिलला लोगों के काम किए ने, यह जी उन्हों का तरीका। तो दूसरा है तेरे वाले साहब जड़े ने अपने तेरे वाले साहब सन तुम उन्होंने भी काम किया, तो तुम की समझते हो कि हूँ तो उस काम से की फर्क तेन लगता वाले साहब के जाने तो बाद आप ही जरा काम जाती तौर पर करते हो, तुम किस तरह इनू फर्क न मैनेज करते हो, जाहिर वाले साहब होना वालद का होना एक सरप्रस्त होना एक जिंदगी दे विच बड़ा मायने रखता जी। मेरे वाले साहब सन अरशाद भट्ट साहब, उन्होंने बेसिकली शटरिंग का काम से, वो शटरिंग का करते सन, अभी भी नाल उन्होंने हथ छत बटाते होंगे हाँ डेरे तो बहने होंगे, लेकिन उन्होंने होंगे मैं जनाब जी डेरे की कोई परेशानी नहीं होंगी, वो ही सारा मैनेज करते हैं मैनू जदों के वो फौत हो गए हैं, तो मैनू ये वे कि ज़्यादा देर टाइम डेरे पर ही देना पैंता क्योंकि इतने लोग आते हैं सहायल आते रहते हैं, तो मेरा रूटीन ये कि मैं सुबह 8-9 बजे तो लैके मैं रात 11-12 बजे तक 1 बजे तक डेरे पर रहना ताकि कोई आए तो वो गल सुनी जाए वह मसला हल किया जाए, तो वो मैनू परेशानी तो बड़ी महसूस हुई है उन्होंने मतलब कमी बड़ी महसूस हुई है उन्होंने फौत होने,
लेकिन कुदरत का निजाम एक अल्लाह पाक चलांदा पिया, उन्हें बड़ी मेहनत की साढ़े वास्ते, उन्हों की मेहनत की वजह तो असी अज सू मुकाम मिले, लैवल मिले कि अं अपने डेरे पर बैठे हैं, अपना कारोबार पर करने नाल सियासत पर करने। जे सियासत भी एक जी एक इबादत है, जे अच्छे तरीके बंदा करे तो साढ़ा दिन तो एक अच्छे तरीके इबादत सियासत करो तो भी एक इबादत, ये तो वड्डी इबादत है नहीं, लेकिन यह एक आला इबादत है कि तुम अच्छे तरीके साफ सुथरी सियासत कर दो। लो भाओ, अज की तुहाड़ी मुलाकात जी तुम देखी है हुई है दोस्तों का नुकता नज़र तुम जाने, असी अदनान भट्ट साहब का बहुत शुक्रिया जनाब तुम सू वक्त दिता है। मेहरबानी जी, मैं भी थोड़ा बड़ा शुक्रिया अदा करना कि तुम अपना कीमती टाइम कढ़ के ते साड़ी रिक्वेस्ट दे नाल साड़े कोल तुसी आए हो ते साड़ा तुसी इंटरव्यू कीता ते मैं उम्मीद करना कि साड़ियां गल्लां जिहड़ियां वक्त दे हुक्मरानां तक पहुँचणगियां वो सुनणगे ते इस पासे ध्यान देणगे ते ये काम साड़े जिहड़े मसले ने ग्राउंड का मसला, टफ टायल का मसला, गैस का बड़ा मसला है, ये हल होणगे। असीं इहनां अगे रिक्वेस्ट करना हुक्मरानां अगे ते ये हल होने चाहिए ने, कुछ जे उम्मीद करनगे भी हल। लो भराओ, अज की मुलाकात तुसीं देखिए साड़ा दोस्तां देखिया इह जिहड़े डेरे दानी बट दे डेरे ते आए हैं, माशाल्लाह डेरे का माहौल बड़ा अच्छा है, लोग बड़े आजादाना गुफ्तगू करते हैं, बड़े खुश नज़र आते हैं पे इत्थे बैठे हुए ते इंशाल्लाह ताला अहीं तुहानूं फिर किसी नवी शख्सियत नाल अगले प्रोग्राम दोबारा मुलाकात करांगे। लिहाजा उस वक्त तक सानूं दिओ इजाजत, रब रखा।